सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू HS Academy। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ NPTEL ऑनलाइन सेफ्टी कोर्सेज के बारे में। ये किस तरीके से होते हैं, इनका पैटर्न क्या रहता है, किस किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं सेफ्टी स्टूडेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल पे, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें टोटली मैंने 10 कोर्सेज को सेलेक्ट करा है, बिकॉज कोर्सेज की रेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जो कोर्सेज हैं अदर डोमेन्स के अंदर, उन्हें आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं और उनका क्या पैटर्न है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, देन आप मेरे को इन IDs पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे हर लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। सो सबसे पहले NPTEL के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। NPTEL बेसिकली है क्या? ओके, NPTEL ऑलरेडी लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने। जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए NPTEL का मतलब होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। ओके, ये इसका होता है एब्रीवेशन, NPTEL का एब्रीवेशन, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। अब इसका काम क्या है, तो देखो ये गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट कह लो या फिर IITs के द्वारा, जो हमारे पास 7 IITs हैं। ओके, बेसिकली कौन कौन से? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास एंड IIT रुड़की, साथ ही साथ IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इन लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को इनिशियली स्टार्ट करा था 2003 में। ओके, ताकि ये कोर्स कंटेंट बना सके इंजीनियरिंग और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। तो इसमें जनरली मेजर कंटेंट जो रहता है वो इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट्स जो रहते हैं वेरियस डोमेन से, मराइन से हो गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनके कंटेंट रहते हैं। बट सेफ्टी जो पार्ट है इंजीनियरिंग का पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है इंजीनियरिंग का। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें कुछ सेफ्टी के कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है सेफ्टी स्टूडेंट्स के लिए, जो सेफ्टी में कोर्स परस्यू कर रहे हैं या फिर जो सेफ्टी में कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उन्हीं कोर्सेज को हम सेपरेटली यहाँ पे कर सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो उन्हीं कोर्सेज के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा आगे इस वीडियो में। सो बेसिकली आप कह सकते हैं ये इनिशिएटिव है एक तरीके से IITs के द्वारा। ओके, सो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसकी जो फीस वगैरह है वो सब भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, NPTEL ऑनलाइन कोर्सेज एंड देयर पैटर्न। ओके, NPTEL कोर्सेज एंड पैटर्न। तो पैटर्न कुछ ज़्यादा इसमें टफ है नहीं है। पैटर्न में जनरली आपका क्या रहेगा कि डेली बेसिस पे आपके ऑनलाइन लेक्चर्स रहेंगे, जो भी IIT के प्रोफेसर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, डेली बेसिस पे आपके लेक्चर्स लेंगे, और वीकली बेसिस पे आपके क्या रहने वाले हैं असाइनमेंट्स। डेली बेसिस पे यहाँ पे आपके लेक्चर्स हैं, एक लेक्चर आप डेली का ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी एक्सेसिबिलिटी पे आप कितना एक दिन में कवर कर सकते हैं। जनरली लेक्चर का ड्यूरेशन आधे घंटे से 50 मिनट तक का हो सकता है एक लेक्चर का ड्यूरेशन, और वीकली यहाँ पे असाइनमेंट्स रहते हैं जो कि आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे डाउट लोगों के मन में आता है कि हम क्वेश्चन सर कैसे किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ऐप होता है, जिस ऐप के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी NPTEL के बारे में, किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरीके से आप आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करा जाता है, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। ओके, सो पैटर्न में आपको 40% जो आपका टोटल पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। अगर आपके उसमें 40% से नीचे यहाँ पे आते हैं, ओके, तो आप फेल माने जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। ऑन द अदर हैंड अगर आपको यहाँ पे 60% आते हैं या फिर उससे ऊपर आते हैं, देन आपको एक स्पेशल टैग मिलता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं इलाइट टैग। ओके, वो आपके सर्टिफिकेट पे यहाँ पे मेंशन होके आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप 90% यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में, स्कोर कर लेते हैं 90% या उससे ज़्यादा, देन आपको मिलेगा इलाइट गोल्ड मेडल टैग, उस सर्टिफिकेट पे ही बन के आएगा। ये बेसिकली एक तरीके से मार्क होता है जो आपको बताता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सर्टिफिकेशन में। ओके, और साथ ही साथ अगर आपने बहुत ही एक्सट्रीमली इसमें अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कराया, देन टॉपर मेंशन होगा आपके सर्टिफिकेट पे, जो भी आपको रिसीव होगा NPTEL के द्वारा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, कोर्सेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 कोर्स आप लोगों के लिए लिख रखे हैं जो कि बेनिफिशियल होंगे आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेफ्टी से रिलेटेड है। तो कोर्स नंबर 1, इस कोर्स का नाम है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। ओके, वन ऑफ द टॉप कोर्स है जो सेफ्टी स्टूडेंट्स के लिए जो परस्यू करना चाहते हैं, अवार्डेड बाय IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर से आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होगा। इसमें 12 मॉड्यूल्स हैं। ओके, हर मॉड्यूल में वेरियस टॉपिक्स होंगे, तो इसी तरीके से 12 मॉड्यूल्स। अब इनका सिलेबस कैसे एक्सेस करा जाए इसके लिए मैं आपको बता दूंगा इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, अब थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को देख लेते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो देखो ये जो कंटेंट है इसे देख के आप कोर्स की क्वालिटी जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो,
कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी इंजीनियरिंग। हाँ, सो प्रिलिमिनरी हैज़र्ड एनालिसिस एफटीए कट सेट मेथड एंड गेट सेट मेथड। तो एफटीए जो है फॉल्ट्री एनालिसिस, वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा बहुत ही इन डेप्थ लेवल में। ओके, साथ ही साथ सिस्टम सेफ्टी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है, ह्यूमन एरर असेसमेंट। सो ये आप इस पर्टिकुलर कंटेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्स जो है उसकी क्वालिटी कितनी होने वाली है। ओके, सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ से उठा रखे। पूरा सिलेबस आपको जो पर्टिकुलर ऐप में आपको बताऊंगा इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, यू कैन गेट दैट फुल सिलेबस ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप। सो कोर्स नंबर टू यहाँ पे है केमिकल प्रोसेस सेफ्टी, वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स ये जो रन करता है NPTEL पे, जो कि इसका सर्टिफिकेट जो अवार्ड किया जाता है वो होता है IIT रुड़की के द्वारा। इसमें आपको जनरली 12 यूनिट्स पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें कि आप वेरियस थिंग्स जो हैं एक्सप्लोर करते हैं केमिकल प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड। एंड बाकी कोर्सेज की तरह इसका भी जो कोर्स कंटेंट है वो भी बहुत ही हाईली रिलायबल एंड ऑथेंटिक होता है। यहाँ पे सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो इसमें टॉक्सिकोलॉजी, अब यहाँ पे देखो सिलेबस कुछ आपको अलग दिखेगा, जो नॉर्मल कन्वेंशनल सिलेबस रहता है उससे बहुत ही अलग है। बट ये जितना भी सिलेबस है ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं उसमें से जनरली लिया गया है। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट पे आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाइजीन, जिसका कि मैं ऑलरेडी बेसिक्स का वीडियो बना चुका हूँ, आगे इन द नियर फ्यूचर विल कवर दैट ऑल्सो। इंट्रोडक्शन टू सोर्स मॉडल्स, अब सोर्स मॉडल्स क्या होते हैं, कोई भी अगर पर्टिकुलर वेसल से इक्विपमेंट में से कभी भी कुछ चीज़ रिलीज होती है, सो एट दैट टाइम वो किस तरीके से बिहेव करेगी किसी भी इन्वायरमेंट में, सो उसकी भी मॉडलिंग आपको बताने वाले हैं इधर। बेसिक्स ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन, रिलीफ एंड रिलीफ सिस्टम, जैसा कि रिलीफ वेल्फ आप सभी ने सुना होगा, सो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। बोटाई एनालिसिस, ये वन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं। केस स्टडीज़, जो प्रीवियस एक्सीडेंट्स यहाँ पे हुए हैं उनको उनकी लर्निंग समय क्या क्या मिल सकती है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी थर्ड कोर्स यहाँ पे जो वो है आपका अप्लाइड एर्गोनॉमिक्स पे। अब एर्गोनॉमिक्स सभी को पता है जनरली होता क्या है, निबॉश का इसको स्पेशली जिन्होंने निबॉश का कोर्स किया हुआ है। सो एर्गोनॉमिक्स पे मैं आगे जाके कवर करने वाला हूँ एर्गोनॉमिक्स को मैं, लेकिन यहाँ पे जो एर्गोनॉमिक्स है वो भी अगेन बेसिक से लेके हाई लेवल तक ये लोग जाएंगे, जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं एर्गोनॉमिक्स में। ये बेसिकली जो कोर्स फॉलो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फॉलो होता है। ओके, सो उससे रिलेटेड आपको बताने वाले हैं। सर्टिफिकेट आपको अवार्ड होगा IIT कानपुर से, 12 वीक्स का ये कोर्स रहेगा, जिसमें वेरियस लेक्चर्स रहेंगे हर वीक में, 5 से 6 लेक्चर्स लेने वाले हैं आपके हर एक वीक में। अगर आप इसके कोर्स कंटेंट की बात करें तो कोर्स कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एर्गोनॉमिक्स जो है उसका ओवरव्यू आपको देंगे, जनरली एर्गोनॉमिक्स होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन एंड नीड, ज़रूरत क्या है इसकी। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एर्गोनॉमिक्स का होता है उसे कहते हैं कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स, ये भी इसमें कवर करेंगे। जहाँ पे आपके वर्कर्स काम करते हैं उस फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट को आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी डिस्कस यहाँ से करने वाले हैं। मैनुअल वर्क, जो मैनुअल लिफ्टिंग आप करते हैं उसके मैकेनिक्स वगैरह जितने भी हैं ये आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। बायो मैकेनिक्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है इस कोर्स में। वर्क स्टडी, अगर कोई वर्क कोई भी इंडिविजुअल कर रहा है वो किसी भी नेचर का वर्क हो सकता है, उसे किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उसमें कितने मूवमेंट्स हैं, किस तरीके से स्ट्रेचिंग एंड अदर मूवमेंट्स हैं, उन सबको भी कवर किया जाता है यहाँ पे। जॉब इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स, मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब्स हैं तो आप उन्हें किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, उनमें जो रिस्क रिलेटेड एर्गोनॉमिक रिलेटेड रिस्क को आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे बताया जाने वाला है कोर्स में। कोर्स नंबर फोर है आपका फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग। सो ये कोर्स जनरली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है। इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा IIT दिल्ली से, 12 वीक्स का ये कोर्स रहेगा आपके लिए जनरली। सो अगर हम इसके कंटेंट की तरफ देखें तो बेसिक कंटेंट आपका ये है, बेसिक्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन आपको बताएंगे यहाँ पे। फायर सेफ्टी में आपको ये स्पेशली बताने वाले हैं डिटेक्शन एंड सप्रेशन, कौन कौन से सिस्टम डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, साथ ही साथ सप्रेशन के लिए। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एंड फ्लो सिस्टम, इट मींस आपके जितने भी पाइप वर्क है, मतलब हाइड्रेंट का पाइप वर्क या फिर वाटर स्पेस सिस्टम का पाइप वर्क, उसके साथ आपको कैलकुलेशन जितने भी हैं वो भी यहाँ पे बताने वाले हैं। साथ ही साथ पाइपिंग के बारे में आपको बताएंगे। NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अब NDT क्या होता है मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा इन द नियर फ्यूचर, सो यू कैन गेट अ रफ आइडिया अबाउट NDT एंड इस प्रोसीजर, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉश IOG इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस की तरफ जाते हैं सो वन ऑफ द चैप्टर है NDT अवेलेबल उसमें। प्लानिंग फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस भी आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। कोर्स नंबर 5 की बात करोगे थोड़ा हटके, जनरली सेफ्टी जैसे मैंने बताया हर एस्पेक्ट को कवर करती है लाइफ के, तो उसी एस्पेक्ट में एक फूड सेफ्टी भी होता है, जो कि मैं इन द नियर फ्यूचर कवर करूँगा अपने चैनल पे, आई होप। सो इसमें एक कोर्स अवेलेबल है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, कोर्स का नाम है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। ओके, ये अवार्डेड बाई आपको जनरली मिलता है IIT कानपुर के द्वारा, ये जो सर्टिफिकेट IIT कानपुर के द्वारा। इसका ड्यूरेशन आपको मिलेगा 8 वीक्स,
8 वीक्स का ये जनरली रहेगा। अब इसमें दो कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक तो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, एक फूड स्टैंडर्ड्स एंड लॉस। सो दोनों ही मस्त हैं आप लोगों के लिए अगर आप फूड सेफ्टी में वर्क कर रहे हैं। HACCP के कॉन्सेप्ट्स एंड इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स में। अगर आप कोर्स कंटेंट का बात करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कोर्स में। फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, जो फूड हमारा कोई भी फूड रहता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं उसके लिए पर्टिकुलरली आपको इसमें बताएंगे। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एक और डिफरेंट कोर्स अवेलेबल है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर कराया, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर ऐप में वहाँ पे मिल जाएगा NPTEL की वेबसाइट पे। साथ ही साथ सेकंड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा ट्रांसमिशन ऑफ फूड बोन इन्फेक्शंस, एक किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, जो फूड में बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस रेट से वो ट्रांसमिट होते हैं। ओके, डेंजर जोन जो रहता है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। फूड एनालिसिस आपको सीखने को मिलेगा। FSSAI के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फूड एडल्टरेशन एंड वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन फूड क्वालिटी, सो ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। कोर्स नंबर 6 आपका है फंडामेंटल्स ऑफ कम्बशन एंड प्रोपल्शन। अभी कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब एज अ नॉर्मल पार्ट सेफ्टी से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली जो रॉकेट्स रहते हैं उनमें हम प्रोपल्शन सिस्टम्स का यूज़ करते हैं और एविएशन में यूज़ करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जो बेसिकली एयरपोर्ट पे सेफ्टी ऑफिसर्स हमारे या फिर सेफ्टी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं या फिर जो स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मल इन जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम कंबशन साथ ही साथ प्रोपल्शन की बात करने वाले हैं। सो इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो फायर की अंडरस्टैंडिंग है, कंबशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है इस कोर्स को करने के बाद। IIT मद्रास के द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको इशू होता है। ड्यूरेशन 8 वीक्स रहता है इस कोर्स का। नाउ कंटेंट की अगर बात करोगे तो कंटेंट बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है हाई लेवल तक। फर्स्ट है आपका कंबशन प्रोसेस इन IC एंड गैस टर्बाइन इंजन, जैसा कि मैंने बताया टर्बाइन इंजन्स हो गए या फिर प्रोपेलर्स हो गए, वहाँ पे कंबशन इंजन्स का बताने वाले हैं आपको कंबशन प्रोसेस के बारे में। और प्रीमिक्स एंड डिफ्यूजन फ्लेम सभी को पता होगा, ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। इंटीग्रस एनालिसिस ऑफ फ्लेम के बारे में आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ये देने वाले हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स, रॉकेट में जो लिक्विड प्रोपेलेंट का हम यूज़ करते हैं उसकी फ्लेमेबिलिटी, उसका नेचर, मतलब वो जब बर्न होता है तो कितना पोल्यूशन करता है। प्रोपेलेंट मतलब एक तरीके से आप कह लो फ्यूल होता है जो रॉकेट्स के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, कंबशन एंड लिक्विड रॉकेट्स, कंबशन किस तरीके से होता है लिक्विड रॉकेट्स के अंदर। साथ ही साथ CFD मॉडलिंग एस्पेक्ट। अब CFD क्या होता है? कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, सो फायर मॉडलिंग का जो मेरा वीडियो है, जो मेरा सेकंड वीडियो है चैनल का, उस पर आपको CFD का मतलब मिल जाएगा। और इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो जब मैं फायर मॉडलिंग का सेकंड पार्ट कवर करूंगा एट द टाइम आई एक्सप्लेन दैट टॉपिक ऑल्सो रिगार्डिंग CFD। बहुत ही पॉपुलर है आजकल ये मॉडलिंग के लिए। कोर्स नंबर 7 की अगर बात करोगे तो वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स अगेन बाय NPTEL, HSC फॉर ऑफशोर एंड पेट्रोलियम इंजीनियर्स। ओके, और इसमें एक और कोर्स अवेलेबल है HSC फॉर ऑफशोर एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। सो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। IIT मद्रास द्वारा दोनों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। 3 मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर एक मॉड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे कवर्ड है। तो इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी वो मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है। ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में आप यहाँ पे सीखेंगे। आप ड्रिलिंग कौन सी ड्रिलिंग? ऑयल वेल की ड्रिलिंग। जब आप ऑफशोर में, ऑनशोर में ऑफशोर ड्रिलिंग करते हो देन उसकी ऑपरेशंस और उसमें हैजर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। ड्रिलिंग एक्सीडेंट जो पास्ट में लाइक पाइपर अल्फा, डीप वाटर होराइजन, ऐसे जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके बारे में आप जानेंगे। ऑयल स्पिल्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे कि अभी रिसेंटली जो रशिया में स्पिल हुई है उसके जैसे स्पिल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, पॉल्यूशन मॉडलिंग, हैज़ॉप एंड FME जो कि मैं आगे जाके कवर करूँगा, हैज़र्ड ऑपरेटिबिलिटी स्टडीज़ एंड फेलियर मोड इफेक्ट्स एनालिसिस, केमिकल रिस्क एनालिसिस एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। अब प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट भी मैं बहुत ही जल्द कवर करने वाला हूँ अपने चैनल पे। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उन्हें इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में। कोर्स नंबर 8 यहाँ पे है जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अभी कोर्स थोड़ा सा हटके हैं यहाँ पे जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब अगर आपको जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं पता है देन यू कैन चेक आउट माय वीडियो ऑन GIS। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है GIS होता क्या है और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम किस तरीके, क्योंकि ये जो GIS है ये डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स में एप्लीकेबल है। साथ ही साथ हम इसे फायर प्रोटेक्शन में भी लगा सकते हैं। फायर स्टेशन जो है उसकी लोकेशन को प्लानिंग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इस पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। इसका सर्टिफिकेट IIT रुड़की द्वारा आपको मिलेगा। 4 यूनिट्स यहाँ पे आपको पढ़नी होंगी इसके लिए, जिसमें कि वेरियस सेक्शंस कवर करेंगे होंगे GIS सिस्टम के। सो सीखने को आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट इज़ GIS, GIS के बारे में जनरली होता क्या, इसके कंपोनेंट्स, जियो रेफरेंसिंग, रास्टर डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स, मैप जो होते हैं उनकी डिफरेंट लेयर्स को आपको सीखने को मिलेगा, किस तरीके से जनरेट किया जाता है। GIS एनालिसिस जो कि मस्ट है, जो कि आपको आना चाहिए अगर आप फायर प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं तो एनालिसिस करना। साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है वो भी लिमिटेशंस भी आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगे।
कोर्स नंबर 9 आपका यहाँ पे जो अवेलेबल है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एनडीटी। अब एनडीटी क्या होता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्ड करते हैं या फिर वेल्डिंग करते हैं किसी भी इक्विपमेंट में, तो वहाँ पे बहुत सारे हैजर्स वहाँ पे रहते हैं। स्पेशली जब हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। सो एट द टाइम हमें एनडीटी करना पड़ता है। जो भी हमारा वेल्ड है, वेल्ड हमने जहाँ पे करा हुआ है उसकी एफिशिएंसी या फिर वो कितनी अच्छी तरीके से वेल्ड हुआ है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे इवैल्यूएट करने के लिए, तो इसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा। IIT मद्रास के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। ड्यूरेशन 8 वीक्स है, इसमें अवेलेबल है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स, जैसे कि एनडीटी का कोर्स है, तो इसमें एनडीटी के डिफरेंट टेक्निक्स को आप इवैल्यूएट करोगे। विजुअल ऑप्टिकल मेथड हो गया, डाई पेनिटेंट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अकाउस्टिक एमिशन टेस्टिंग एंड रेडियोग्राफी। सो बेसिकली इन टेस्टिंग को मैं कवर करूँगा आगे जाके अपने वीडियोज़ में, जो भी मैं एनडीटी पे यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। साथ ही साथ कोर्स नंबर 10, अब यहाँ पे कोर्स नंबर 10 में क्या है, हीट ट्रांसफ़र। सर्टिफिकेट मिलेगा IIT गुवाहाटी द्वारा। अब हीट ट्रांसफ़र ज़रूरी क्यों है? तो जो इंडिविजुअल्स फायर प्रोटेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दे कैन गो फॉर दैट कोर्स। वाई मीन्स, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वो इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स को 1 या 2 महीना पढ़ रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो इस पे वो जा सकते हैं। जनरली उन्हें पढ़ने को यहाँ पे मिलने वाला है ये सब चीज़ें, कंडक्शन 1 डायमेंशनल, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र 1 डायमेंशनल, हीट ट्रांसफ़र बाय नेचुरल कन्वेक्शन, रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र, हीट एक्सचेंजर्स एंड इवेपोरेटर्स। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हैज़ ऑफ भी जब आप करोगे आगे जाके प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए, उस टाइम पे आपको हीट ट्रांसफ़र की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। सो जो ऐप है इस पर्टिकुलर इसका, उसे आप कहते हैं स्वयं। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, स्वयं टाइप करना है, आपको ये पर्टिकुलर ऐप वहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एक बार कराना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सेस। वहाँ पे आप जो कोर्स के वीडियोस रहते हैं वो जनरली पब्लिकली अवेलेबल हैं, बट हर साल जो कोर्स के वीडियोस हैं वो अपडेटेड होकर थोड़ा बहुत आते हैं। सो आपको नया कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। साथ ही साथ आप रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हो, कोर्स की कैटेगरीज देख सकते हो, और यूट्यूब पे भी अगर आप NPTEL टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे सारा वीडियोस मिल जाएगा NPTEL का। तो कोर्स अटेंड करने का यहाँ पे कोई फीस नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, देन यू नीड टू राइट अ एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा और इसका फीस रहेगा 1000 रुपये। एग्जामिनेशन का फीस रहेगा 1000 रुपये। बट जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो लोकल चैप्टर में आते हैं NPTEL के, देन उनके स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली 50% डिस्काउंट है। इट मींस उन लोगों को 500 रुपये का ये कोर्स पढ़ने वाला है। ओके, सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आप 40% से नीचे स्कोर करते हैं देन आपको कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 60% पे इलाइट मिलेगा, 90% पे इलाइट गोल्ड मिलेगा, एंड अगर आप टॉप में आते हैं तो टॉपर आपका सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा। सो प्रीवियसली NPTEL हार्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता था यहाँ पे, लेकिन अभी इसने बंद कर दिया। जनरली अभी जो सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे अवार्ड होता है वो बेसिकली ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, जो आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज द फुल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, देन यू कैन लाइक द माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज वेल एज पुट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो दैट आई अपलोड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।